इलाहाबाद बैंक गोरखपुर ने अपने सिविल लाइंस शाखा परिसर के प्रांगण में मंगलवार को 155वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान जिला न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि अपर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय और यूनिट प्रमुख अमर उजाला मृत्युंजय सिंह भी मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए इलाहाबाद बैंक गोरखपुर मंडल के प्रमुख सुनील कुमार झा ने अपने बैंक के बारे में विस्तार से बताते हुए ग्राहकों को धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही 19 मई को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान मुख्य प्रबंधक फिरोज आलम, विकास बर्नवाल, संजीव दुआ, अमरजीत सिंह, अजय प्रकाश एवं इलाहाबाद बैंक की विभिन्न शाखाओं से आए मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक अधिकारी, कर्मचारीगण एवं विभिन्न शाखाओं के गणमान्य ग्राहक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इलाहाबाद बैंक गोरखपुर मंडल के प्रमुख सुनील कुमार झा ने कहा, सभी अतिथियों से आग्रह करूंगा तो दीप प्रज्वलन के साथ हमारे समारोह का प्रारंभ करें। माँ सरस्वती की वंदना हम करने के बाद कितनी सुनामी आई होगी, इकोनॉमिक्स कितने टर्मोइल्स आए हुए, कितने चीज़ें यहाँ पे बंद, लेमन ब्रदर्स जैसे जो जॉइंट है वो फेल हो गई, कई चीज़ें यहाँ पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, रोज़ टीवी में आता है, रोज़ पेपर में आता है। लेकिन ये एक ऐसा इलाहाबाद बैंक का है जिसका लोगो और उसकी बोर्ड 155 साल से ज्यों की त्यों बरकरार है और इसका सारा श्रेय अगर जाता है तो हमारे जो माननीय कस्टमर हैं जो हमारे हमसे जुड़े 155 साल, जैसा कि मैंने कहा कि 155 साल, अगर कोई बैंक आज के दिन में इतने इकोनॉमिक टर्मोइल्स आए हैं, आप सबको पता है कितने बैंक इस फेल हुए हैं, कितनी संस्थाएं फेल हुई है। अगर एग्जांपल हम जो लेमन ब्रदर्स का हमने जैसा कहा कि इतने बड़ा जॉइंट था, कोई सोच नहीं सकता था कि लेमन ब्रदर्स कभी फेल होगी, लेकिन ये सारे सुनामी को, इस सारे झंझावट को, इस सारे क्राइसिस को झेलते हुए अगर कोई बैंक खड़ा है, इसका मतलब है कि उसका बेस जो है, फाउंडेशन जो है बहुत मजबूत है। ये जो इलाहाबाद 1865 आज ही के दिन 1865 में ये बैंक ने स्टार्ट किया इलाहाबाद से, इसलिए इसका जो लोगो आप देखेंगे त्रिवेणी संगम का ये लोगो है और ये लोगो अनवरत उसी तरह से इसका बोर्ड भी उसी तरह है और इसका लोगो भी इसी तरह से, और पता नहीं अभी हज़ार दो साल पता नहीं कितने दिनों तक चलता रहेगा। ये हमारे जो कस्टमर जो हमसे जुड़े हुए हैं उन सबों का प्यार है, उन सबों का अपनापन है जिसके चलते ये बैंक जुड़ा हुआ है। कस्टमर के लिए बैंक भी कई तरह के प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, जैसे कि मैंने जैसा बताया अभी आपको, अभी स्पेशलाइज उन्होंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है फाउंडेशन डे डिपॉजिट, जिसका नाम उन्होंने रखा है 155, जिसका आज अंतिम दिन है। हमारा मंडल ने इसमें अच्छा काम किया है और ये सब हमारे कस्टमर के सहयोग से ही हुआ है। प्लस उन्होंने 333 दिन का एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है बैंक ने, जिसकी मियाद जो है मार्च 20 तक वो चलेगी। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बैंक की कई स्कीम है, जैसे हमने ये, अगर हम ये प्रोडक्ट की बात करें तो इम्पावर बैंक्स ने एक ऐप लॉन्च किया है, तो बहुत ही स्ट्रांग है वो ऐप्स है, अगर आप देखेंगे उसको यूज़ करेंगे
तो इतना स्ट्रॉन्ग एप्स हमें नहीं लगता कि मार्केट में आज के डेट में किसी बैंक का है। इसीलिए ग्लोबल फंड जो ट्रस्ट ने इस बैंक को टॉप 10 में स्थान दिया है और कई सारे प्रोडक्ट जो अपने कस्टमर के लिए हम चाहते हैं कि नए नए प्रोडक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं। अभी हमारे MD साहब ने उसका नवोदय लॉन्च किया है, बहुत अच्छा उन्होंने प्रोजेक्ट रखा, उसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने दिया है वो कस्टमर जो सेंटर को कस्टमर पर फोकस किया। कस्टमर हमारे लिए सर्वोपरि है, हमेशा वो मेरे लिए टॉप पे रहा है, क्योंकि कस्टमर है तो मेरा बैंक है और मेरा बैंक है तो हम हैं। और हमारी बैंक की अगर हमारी रोजी रोटी अगर हमारे घर की अगर चूल्हा जलता है तो ड्यूटी इस कस्टमर के चलते, इसलिए हम कस्टमर का सहयोग देते हैं, मतलब धन्यवाद देते हैं, दिल से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हमसे वो जुड़े रहें इसी तरह से। तो वोटिंग में लोगों को हम जरूर ये आपके माध्यम से हम लोगों को आग्रह करेंगे, खास कर अपने परिवार जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारे कर्मचारी अधिकारी बन गए उनके परिवार, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर निकलें, घर से निकलें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें। जो कैंडिडेट जो लगता है कि हाँ सही, क्योंकि मार्केट सबको पता है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, सबके बारे में सबको मालूम है, जो कैंडिडेट लगता है कि अच्छा है, काम करने लायक है, जो देश की प्रगति करेगा, समाज का विकास करेगा, उसको जरूर वोट दीजिए। और घर से बाहर निकलिए, सबसे ज़्यादा जरूरी है घर से बाहर निकल के वोट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद सर।